स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए क्या कंसीडरेशन होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब इंपॉर्टेंट बातें जो इस आर्टिकल से रिलेटेड क्या बन सकती हैं, मैं वो आपको रियलाइज कराऊंगा और फील भी कराऊंगा। ठीक है, रियलाइज होना फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है, और साथ में इस पे जो प्रॉब्लम बन सकती हैं हम लोग उनको भी वन बाय वन लिंक करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, तो देखिए टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को समझने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को जरा पहले आप नोट डाउन कर लें। क्या होगा स्टेप्स, वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, उस पॉइंट पर आप क्या कर दीजिए, पहले एक टेस्ट चार्ज पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, पुट टेस्ट चार्ज दैट प्लेस वेयर यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, पहले आप उस जगह पर क्या करिए, एक टेस्ट चार्ज को रख दीजिए। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है क्यू नॉट। ठीक है, आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया जिस भी प्लेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, पहला काम। स्टेप सेकंड नंबर क्या होता है, स्टेप जो सेकंड है वो क्या है, स्टेप सेकंड ये कहता है फिर आप फोर्स निकालिए, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालिए, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, क्लियर। और स्टेप नंबर थर्ड, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्टेप थर्ड क्या कहा जाता है, स्टेप थर्ड ये कहता है यूजिंग रिलेशन, क्या, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। जैसे ही आप इस रिलेशन को यूज करेंगे और F की वैल्यू पुट करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्या होगी, ये रिलेशन यूज करोगे एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ, वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट प्लेस, और उस प्लेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आई कि जिस भी पॉइंट का मतलब ये हुआ किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब ये है, थोड़ा देख लीजिए, ये हमारे पास एक पॉइंट ओ है और इस पॉइंट पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। ठीक है, इस जगह पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब चार्ज रखने की वजह से क्या आया, देखिए इस जगह पे चार्ज रखा और मुझे इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया मैंने, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो हम क्या करें, हमारा क्वेश्चन यही है और हमारा टॉपिक भी आज का यही है कि हमें पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज लिया मैंने, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखिए करने का स्टेप क्या है, मैंने क्या सिखाया, जिस पॉइंट पर निकालना है पहले वहाँ पर आप टेस्ट चार्ज को पुट करिए, तो ठीक है। पहले इसके लिए क्या लैंग्वेज होती है, देखिए हम इन स्टेप को अपने साइड में लिख लेते हैं, इनको तो मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए कंसीडरेशन क्या हो गया, लेट पॉइंट चार्ज प्लेस्ड, लेट पॉइंट चार्ज आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ हो गया। हमें क्या करना है,
वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट या डिटरमाइन, जो भी आप लिखना चाहें, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस एट पॉइंट पी, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। क्लियर? ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, और यही तीन स्टेप मुझे अप्लाई करने हैं। तो देखिए, पहला स्टेप क्या होगा, लेट वी पुट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी। हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट पी पर प्लेस कर दिया। करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही मैंने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को प्लेस किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे कूलम्स लॉ। क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ। देखिए, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए अगर दो चार्जेस हों और उनके बीच में सेपरेशन मालूम हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कूलम्स लॉ यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूजिंग कूलम्स लॉ, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, यूजिंग कूलम्स लॉ। तो फोर्स निकालने का जो तरीका है क्या है, वो कूलम्स लॉ है। ठीक है, क्यों, किस चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से क्यू नॉट पे निकालेंगे। तो जरा देखिए, इस चार्ज की वजह से, इसकी वजह से इस पे निकालेंगे क्या, फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो क्या लिखने जा रहा हूँ मैं लिखने जा रहा हूँ, पहला स्टेप तो हो गया, मैंने टेस्ट चार्ज पुट कर दिया, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के लिए क्या करना है, फोर्स निकालना है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आएगा, कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, इतना काम करेंगे। तो क्यू नॉट ड्यू टू क्यू कितना आएगा, जाके F इज इक्वल टू आ जाता है के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा Q, यहाँ पे आएगा Q नॉट, और यहाँ से आएगा R स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई F की वैल्यू आ गई F इजक्ल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन, फोर्स निकाल लिया। दूसरा स्टेप हो गया, अब स्टेप नंबर थर्ड करेंगे, क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है। तो मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। हमने क्या बोला, ये रिलेशन यूज करना है और इसमें फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। तो हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ पुट कर देंगे, क्या रिजल्ट आएगा, यहां से आएगा E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे कितना है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर देंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए रिजल्ट आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप को अप्लाई करना है। जैसे जैसे अप्लाई करते जाएंगे आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अब हम इस जो फॉर्मूले को मैंने अडॉप्ट किया है, आपको एक्सप्लेन किया है कि E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आया है। ठीक है, आया है, कब आप ये लिखोगे और कब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, और कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आप बताओगे किसी भी पॉइंट पर, लेकिन
उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे प्लस क्यू है तो इस जगह पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकाल पाओगे, और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इधर होगी। ये क्यों ऐसी हो रही है, तो आपको सीधा सा कंसेप्ट समझना है, ठीक है। प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड होती हैं वो कैसे जाती हैं, रेडिली आउटवर्ड जाती हैं। प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, और कैसी होती हैं, रेडिली आउटवर्ड होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, जो फील्ड लाइन्स, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस लाइन के अलॉन्ग होगी, कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता, ध्यान से सुनना, अगर माइनस चार्ज होता इस जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकालते और उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर, अंदर की तरफ शो करते, मतलब यहाँ पर ऐसे एरो बना के शो करते। लेकिन यहाँ माइनस है नहीं, इसलिए इसको हम शो नहीं करेंगे, हमको शो क्या करना है, सिर्फ ई लगा के। अभी इस पर भी डिस्कशन करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर बात करेंगे इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या होगा, करेक्ट। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए इसको हटा देता हूँ। देखिए इन स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए, ये आपको मेन फार्मूला मिल गया, ये आपको मेन फार्मूला मिल गया, मतलब आपको क्या मिल गया, यहाँ से आप लिख दीजिए E इज इक्वल टू मिल गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मिल गया क्या, न्यूटन पर कूलम्ब। अब आपको यहाँ से इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें की जाती हैं वो आपको समझनी है, मैं वन बाई वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए, ठीक है, सबसे पहले ये इस बात को समझिए कि एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। फॉर एयर आर वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप डील कर रहे होंगे तो वहाँ एयर या वैक्यूम लिखा रहता है, तो एयर या वैक्यूम के लिए यहाँ पर के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4π ε0, और यही वैल्यू होती है 9×10⁻¹। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 9×10⁻¹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक बात आपको ये समझ में आ गई, ये हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, क्या होता है इसका वेक्टर फॉर्म। तो देखिए जो ये फॉर्म लिखा है ये स्केलर फॉर्म है, क्या आएगा, फॉर वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये आएगा E इज इक्वल टू, इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, ये हो गया, और यहाँ आएगा 9×10⁻¹, यहाँ पे आया Q अपॉन आर स्क्वायर, इसी में R कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो डायरेक्शन मिल गई, मतलब ये वेक्टर फॉर्म हो गया। R कैप क्या है, R कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पर जो ये E वेक्टर आया है इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग OP है, और क्या है, अवे फ्रॉम द पॉइंट है, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज लिख दीजिए या अवे फ्रॉम पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर आपको R कैप का मीनिंग भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ E क्या आएगा, अगर स्केलर लिखना है तो ये स्केलर फॉर्म है, ये कैसा है, वेक्टर फॉर्म है। अगर आप R कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि R कैप नहीं लिखना चाहते ना लिखिए, लेकिन आप बताओगे फिर ये चीज़ तो केवल मैग्नीट्यूड है, और आगे लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्ट टूवर्ड्स या अवे। देखिए प्लस चार्ज होगा तो अवे होगा, और अगर माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज होगा, और इस पॉइंट पर अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम होगी, इस पॉइंट से अवे होगी, इस पॉइंट पर क्या होगी, इस पॉइंट से अवे होगी। क्लियर हुआ, प्लस चार्ज के लिए अवे है और माइनस के लिए टूवर्ड्स है। तो यहाँ पे अब देखिए डायरेक्शन ऑफ ई के बारे में क्या बताता हूँ, तो यहाँ पे आप बना ही लीजिए। देखिए ये है आर डिस्टेंस यहाँ से ओ से, और यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये प्लस क्यू चार्ज है। फिर दूसरा मैं लेता हूँ क्या, यहाँ पर O पॉइंट है और यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, तो इस पॉइंट P पर क्या होगी डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, देखिए प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो इनवर्ड होगी। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप,
इसका मतलब ये समझ रहे हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ आएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग ओपी क्या होगी, एलॉन्ग ओपी होगी, एलॉन्ग ओपी होगी, ओपी के डायरेक्शन में होगी, कहाँ होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट पी होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट पी, अवे फ्रॉम पॉइंट पी, अवे फ्रॉम पॉइंट पी, इस पॉइंट से अवे हो जाएगी, ठीक है। यहां क्या होगी देखो, यहां से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी क्या होगी, टूवर्ड्स, ये होगी टूवर्ड्स पॉइंट चार्ज। आप यहां भी बता सकते थे कि ये क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज होगी, यहां लिख सकते थे अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी। देखिए ये इसके लिए है अलोंग ओपी अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ये हो गया। ये वाली बात ऊपर के लिए है और ये वाली बात नीचे के लिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी टूवर्ड द पॉइंट चार्ज, टूवर्ड द पॉइंट चार्ज, इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखिए जो ये रूल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये E इज इक्वल टू जो आया है 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, यहां लिख सकते थे दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको फॉलो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, इस बात को भी आप समझेंगे। देखिए बहुत सारी बातें कर ली, अभी मुझे बताना है आपको एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, जो इम्पॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस है इस फॉर्मूले का, क्या ग्राफ, आप इन चीज़ों को नोट करिए। देखिए यहाँ से हमारा डिस्कशन शुरू हुआ, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये हो गया फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पर हम पहुँचने वाले हैं, क्या होगा फिफ्थ पॉइंट, देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ, पॉइंट नंबर फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको ड्रा करना है ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा, फिफ्थ पॉइंट पे पहुंच गए, ये ग्राफ, ग्राफ दो चीजों में बनाना है, ग्राफ दो चीजों बनाना है, एक ग्राफ बनाना है देखिए e वर्सेस 1/r² में, ठीक है, ग्राफ e वर्सेस 1/r² में एक बनाना है, तो बनाना बता देता हूं कैसे बनेगा। देखिए यहां पे रहेगा ये और ये हो गया, तो ये वाला r में है, तो ये हो गया 1/r² में, ये वाला हो गया e में आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूं, ये आता है e, ये आ गया e और ये आ गया 1/r², ठीक है, ये ऐसा है कि 1/r², चाहो तो आप इसको लिख सकते थे, क्या इसको लिख सकते थे कि ये e और r में है, ये क्या हो गया r स्क्वायर में, e वर्सेस r स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या आएगा, हम r स्क्वायर का मतलब ये समझेंगे। देखिए एक डायरेक्टली सीधे सीधे ये है, एक तो क्या है कि e वर्सेस 1/r में है और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r में है, दो तरह समझिए आप, एक क्या है, एक ग्राफ है e, और सुनिए ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये e और 1/r² में है, ये वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा, e और डायरेक्टली r स्क्वायर में हो जाएगा, जब e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, या इसको ले सकते हैं 1/r², तो ये लाइन बन जाती है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
इस वाले में कैसे बनाते हो? जब E और 1/r² में ग्राफ खींचेंगे तो बन जाता है ये ऐसे। अब इन पॉइंट्स को मैंने कैसे लिखा जरा देखिए, उसकी फीलिंग देखिए। ये है और ये वाला ग्राफ कैसा है, ये है ई वर्सेस, ये ग्राफ है, ग्राफ ई वर्सेस 1/r², ये है 1/r² में ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब ये इस ग्राफ की क्या मीनिंग है वो समझिए। इस वाले ग्राफ में क्या समझोगे, पहले देखिए ये ओ होता है ओरिजिन, यहाँ से क्या आया। मैं अगर बताना चाहूँ, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला ये कि E इज इक्वल टू होता है 9×10^9 Q/r². ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप रियलाइज करोगे। रियलाइज क्या कराना है मुझे आपको, मुझे ये बताना है कि आप अगर यहाँ पर क्या करते हो, R की वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो। जरा देखिए करके, इफ R टेंडिंग टू जीरो, अगर ये जीरो हो जाए तो E की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज E टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं समझे, अगर R की वैल्यू जीरो पुट कर दो यहाँ पे, देखिए इसमें R की वैल्यू क्या आ जाए, एकदम पास में आ जाए, तो E कहाँ होगा, E इन्फिनिटी में होगा, बहुत दूर होगा। बहुत दूर होने का मतलब, इसलिए मैंने ये पॉइंट बना दिया। दूसरी बात ये है कि अगर यहीं पर मैं ले लेता ये, इफ देखिए, इफ R टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता, अगर ये इन्फिनिटी हो जाता तो E की वैल्यू क्या हो जाती, दैट इज E इज इक्वल टू जीरो हो जाता, तो इन दोनों का क्या मतलब है आपको समझ में आना चाहिए। ये तो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ तो बनाना आसान है, कि स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है कब, E और R स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है, ठीक है। यहाँ का मतलब समझिए, यहाँ का क्या मीनिंग है, इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है, इस लाइन का और इस लाइन का क्या मतलब है, अगर ये मैंने लिखा तो इसका क्या मतलब आया। देखिए R इक्वल टू जीरो का मतलब है, R इक्वल टू जीरो का मतलब है कि पॉइंट चार्ज पे बात हो रही है, तो पॉइंट चार्ज पे E इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, वो डिफाइन नहीं है। R इक्वल टू जीरो पर इसका मतलब यह हुआ, इट मीन्स इलेक्टिव फील्ड, इट मीन दैट इज, या इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट इट्स ओन पोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट इट्स ओन पोजिशन इज नॉट डिफाइन। ये मतलब है इसका कि अगर हम R की वैल्यू जीरो ले लें, या ऐसा कहना है कि अगर पॉइंट चार्ज पर ही हम, अगर पॉइंट चार्ज ये रखा है इस पॉइंट पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसी पॉइंट चार्ज की खुद की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं है। अच्छा, यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हैज़ इनफाइनाइट रेंज। मतलब ये है कि ये कहने का मतलब है, अगर R इनफाइनाइट होगा तब जाके फील्ड जीरो होगी। किसी पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाती है। यही तो मतलब है कि किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई और कहाँ एंड होती हैं, इन्फिनिटी में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट चार्ज एंड एंड ऑन इन्फिनिटी। ये याद रखिए, ये कंसेप्ट है, ठीक है। इतनी बातें हो गई, मैंने ग्राफ
डील कर लिया आपसे। देखिए वेक्टर फॉर्म भी बता दिया, एरिया वैक्यूम के लिए क्या होता है, डायरेक्शन भी आपको समझा दी, उसके बाद ये बता दिया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है, और आपको मैंने ग्राफ भी बता दिए। ग्राफ जरूर याद रखेंगे, ग्राफ में अभी मैंने यहाँ बनाया नहीं है। देखिए ये ग्राफ कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, कभी भी ये टच नहीं करेगा, इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पर टच करेगा, कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पर टच करेगा। तो आप इसको एज इट इज़ बना लेंगे, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। चलिए ये हटा देता हूँ और सिर्फ आप फार्मूला याद रखोगे, फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। बहुत सारी बातें कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है और फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 10 माइक्रो कूलम एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखिए पहले तो क्वेश्चन में ये जरूर सर्च करिए कि क्या गिवन है, उसके बाद आप अपना काम करेंगे। देखिए यहाँ से क्या फाइंड आउट, क्या निकालना है आपको, ई निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया, और आर की वैल्यू है कितनी, 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर बना लीजिए, तो क्या आएगा 10/100, तो ये हो गया मीटर, तो ये आया 1/10, ये आ गया मीटर, इसका मतलब हो गया 10^-1 मीटर। और आपको क्या दिया गया है, पॉइंट चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी दे दी गई, 10 माइक्रो कूलम। अब देखिए माइक्रो को अगर कूलम में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, माइक्रो है तो 10^-6 लिख देंगे, तो यहाँ कितना आया 10 × 10^-6 कूलम, इसको लिख सकते हो 10^-5 कूलम। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अब अप्लाई करोगे तो E इज इक्वल टू 9 × 10^9, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया Q/R². देखिए ये फॉर्मूला है, और यहाँ से E इज इक्वल टू 9 × 10^9, और ये Q की वैल्यू कितनी है, ये Q की वैल्यू है 10^-5, और नीचे R की वैल्यू जो कितनी है 10^-1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 9 × 10^5, देखिए 5 कम कर देंगे इसमें तो 4 आ जाएगा, और नीचे कितना आ गया 10^-2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो E इज इक्वल टू आ गया 9 × 10^6 न्यूटन पर कूलम। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन और दूसरा देता हूँ जिससे आप ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, नहीं तो फिर आप अपना आंसर मैच कराइए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आएगा, मैंने लिख दिया 2 नैनो कूलम, क्या लिख दिया 2 नैनो कूलम एट अ डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस 1 मीटर, तो 1 मीटर डिस्टेंस पर क्या होगा, इस 1 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसका आंसर आपको देना है। पॉज करिए, क्वेश्चन को करिए, नहीं होता है तो फिर आप मैच करा लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो पहले करिए इसको आप। चलिए देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन इसका सिंपल सा है, बहुत सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि R की वैल्यू 1 मीटर दे दी गई है, ठीक है, और फिर दूसरा क्या दिया जा रहा है यहाँ से देखिए, और Q की वैल्यू है 2 नैनो कूलम, C बनाते हैं कैपिटल में, ठीक है, साइंटिस्ट नेम है, तो 2 × 10^-9 कूलम आ गया, नैनो का मतलब 9, माइक्रो का मतलब 6, ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, E निकालना है, तो E का फॉर्मूला 9 × 10^9
क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या मिल गया जाके यहाँ से, ये मिल गया आपको 9 × 10⁻¹, और क्यू की वैल्यू ये है 2 × 10⁻¹। मिल गया, और नीचे आर की वैल्यू 1 मीटर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आना है। देखिए 9 9 कैंसिल हो गया और 9 × 2 = 18, तो ये आ गया 18 न्यूटन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया जो आप इस फॉर्मूले पर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा सा वेरिएशन। देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हीलियम न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है, आप 2 मीटर डिस्टेंस पर, इसको मैं लिख देता हूँ 2 मीटर हो गया, एट अ डिस्टेंस 2 मीटर। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, देखिए सबसे पहले तो क्या है, आर की वैल्यू दी गई 2 मीटर दी गई, आपने लिख दिया 2 मीटर हो गया। और क्या दिया गया है, चार्ज ऑन, ये नहीं पता आपको कि हीलियम न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है, जब तक ये नहीं पता होगा क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं। तो क्या होगा, जरा देखिए, चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, ये आता है हीलियम न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू, ये होता है 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आपको ये याद होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा क्वेश्चन। हीलियम न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, कितना होता है चार्ज, 2 टाइम्स होता है किसका, प्रोटॉन के चार्ज का, 2 टाइम्स चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का, ये आ गया। अब यहाँ क्या लिखोगे, देखिए अब आपको निकालना है E, तो E की वैल्यू क्या आ गई, 9 × 10⁻¹, और यहाँ से आ गया Q अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए तो 9 × 10⁻¹, और Q की वैल्यू इतनी 3.2 × 10⁻¹⁹, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से R की वैल्यू कितनी 2 है, 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 9, और ये हो गया 3.2, और यहाँ देखिए 19, ये हो जाएगा माइनस का 10, और नीचे कितना हो गया 4। ठीक है, इसको पॉइंट हटा दीजिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 9 × 32, नीचे आएगा 4 × 10 आ गया। चलिए यहाँ से कितना आएगा, देखिए 4 × 8 = 32, ये हो गया कितना 72, सॉरी अभी ये वैल्यू तो रह गई 10⁻¹⁰, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 72, नीचे 10, ऊपर 10⁻¹⁰, और ये आएगा न्यूटन पर कूलम, तो E की वैल्यू मिल जाती है कितनी 7.2 × 10⁻¹⁰ न्यूटन पर कूलम। बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस, अगर ये नहीं पता तो फिर नहीं होगा क्वेश्चन, श्योर है। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन और छोटा सा लेता हूँ, थोड़ा सा वेरिएशन लेता हूँ। ठीक है, देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके पास, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक पॉइंट ले लेता हूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट क्या दे दिया मैंने, एट अ पॉइंट 4.0⁰¹⁰ मीटर, 4.0⁰¹⁰ मीटर ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन पॉइंट चार्ज कितना लेता हूँ, पॉइंट चार्ज
पॉइंट चार्ज 4 नैनो कूलम एट ओरिजिन। ये हो गया ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, 0.00। ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किस पर, एट अ पॉइंट 4.00 मीटर पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज 4 नैनो कूलम एट क्या है 4 नैनो कूलम प्लेस्ड एट, यहाँ लिख देना चाहिए मुझे प्लेस्ड एट ओरिजिन। अब आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा, यहाँ से क्यू की वैल्यू तो आपको मिल गई 4 नैनो कूलम, इसका मतलब क्या आया 4 नैनो कूलम मतलब 4×10⁻¹ कूलम, ये आपको दे दिया गया। लेकिन आर नहीं पता इसीलिए क्वेश्चन फंस रहा है। ई आपको निकालना है ठीक है। तो जरा देखिए पहले फिगर बना लीजिए। तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया ओरिजिन को आप बोलते हो 0.0 ठीक। और 1, 2, 3, 4 अगर प्लस में है तो इधर डिस्टेंस लेना है, माइनस में है तो इधर लेना है ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यह आएगा 4.00 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, आर इक्वल टू आ गई 4 मीटर। यहाँ पे चार्ज रखा है क्यों, कितना रखा है 4 नैनो कूलम यहाँ पे रखा है क्यों ठीक है। यहाँ पर निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो निकाल दीजिए क्या आ गया, आर की वैल्यू क्या मिल गई आर की वैल्यू मिल गई 4 मीटर। तो ई इक्वल टू आ गया 9×10⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो रही बात, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा 9×10⁹ क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 4×10⁻¹ अपॉन कितना आएगा 4 का स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से कितना आएगा जाके आपको देखिए 10⁹ प्लस 10⁹ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 9×4=36 और नीचे कितना आ गया 16। क्लियर हो गया, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 4×4=16 4×9=36 तो ये आ गया 9/4। इसको आप लिख सकते हो कितना 4×2=8 ठीक है। तो आया 1 कैरी हो गया 1, तो 4×2=8 4×5=, तो ये आ गया आपके पास न्यूटन पर कूलम। इतना आंसर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है 4 नैनो कूलम जो ओरिजिन पे रखा था एट अ डिस्टेंस 4 मीटर। क्लियर हो गया, होपफुली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फाइनली आपसे मैं यही बोलूँगा, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको फिर जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।